बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक्ट्रेस कंगना रनौत के बंगले पर 9 सितंबर को बीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई को गलत ठहराया है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी नागरिक के खिलाफ प्रशासन को बाहुबल का उपयोग करने की मंजूरी नहीं दी गई है। हालांकि अदालत ने अभिनेत्री से सोशल मीडिया और अन्य लोगों पर टिप्पणी करते हुए संयम बरतने को कहा। सितंबर में कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी थी। कंगना के वकील का दावा है कि कोर्ट के स्टे लगाने तक ऑफिस का 40% हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी को कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए हर्जाना देना होगा। हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश भी दे दिए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है तो यह केवल उस व्यक्ति की ही जीत नहीं है बल्कि पूरे लोकतंत्र की जीत होती है। हेलो एवरीवन, मैं अपनी फिल्म तलाइवी की शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाईकोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। सो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई फ्रेंड्स हू गेव मी करेज एंड टू दोज हु मेड फन ऑफ मी लाइट about the illegal demolition and said that it was a legal act. No, it wasn't. I want to thank those also who played villains because it's only because of them I can play a hero. Thank you.